आप देख रहे हैं कि विंडो और डोर इंस्टॉलेशन के लिए सारे सामान ये खुद लेके आते हैं, मतलब एक ही उसमें ट्रेलर में। तो मैंने इनसे परमिशन ली थी, क्योंकि जब ये लोग इंस्टॉलेशन करने जा रहे थे तो देख रहे हैं सारे ये विंडोज़ डोर ये जो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो सारा ये सामान ये देखो सब एक साथ लेके और एक ही दिन में फटाफट 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 सारे इंस्टॉल कर देंगे। अब इतने टेम्परेचर आपको पता है कि माइनस में चल रहा है, लेकिन आपको देखेंगे पता भी नहीं चलेगा और ये इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि तो इसमें डबल साइडेड और ट्रिपल साइडेड विंडोज होती है, मतलब बाहर से भी अंदर से भी, तो इस तरह से ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं एक पार्ट विंडो का अलग हो गया है और दूसरा पार्ट अभी आप देख रहे हो कि ये है विंडो का बाहर वाला, मतलब दो पार्ट आप देख रहे हो। आजकल थ्री पार्ट्स में भी विंडो आती है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि इन्होंने ये कारपेट पर नीचे बिछा रखे हैं, तो पूरा साफ करते हैं लोग, पूरा क्लीन करके जाते हैं जो भी काम ख़त्म करने के बाद। अब आप ये देखो कैसे पूरा ये विंडो निकल जाएगी, देखो कांच में, आप देख रहे हो कांच में चिपक गया और ये पूरी विंडो बाहर आ जाएगी। अब आप देखो ये और सेम प्रोसीजर आउटसाइड से भी है। तो ये देखिए ये लीजिए और ये पकड़ने के लिए ये विंडो बाहर आ गई, ठीक है ना। और भी देखो इनकी जो मशीन सभी ऑलरेडी जो रखी हुई है पूरा, और ये देखो पूरा ये अपना खुद साफ सफाई का पूरा सामान भी लेके चलते हैं। और ये मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर ये कुछ चार्जिंग पे लगा हुआ है इनका, ठीक है। और ये देखिए ये भी कुछ मशीन्स हैं, ये कुछ साथ में उनके जो भी इक्विपमेंट्स जो भी साथ में लेके चले हुए, ठीक है ना। तो वो आप देख रहे हो कि एक विंडो पूरी खाली हो गई है, देख रहे हो कि क्या रुई कितना निकला हुआ है। ये देखिए बात विंडोज एक से दो अनुसे है कौन। अब आप देखेंगे नई विंडो आने वाली है, तब नई विंडो खुल जाएगी। ओके सो ये देखिए पूरा ब्लैंक हो चुका है, पूरा खाली। अब साथ ही साथ सफाई भी साथ साथ ही करते हैं, ये देखो आप, तो क्लीनिंग भी साथ साथ ही होगी, ठीक है ना। ओके न्यू विंडो आ गई है। ओके तो ये न्यू विंडो है, अब आप देख रहे हो कि ये लगेगी, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कितनी, मतलब बहुत वेट होता है इसका, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हो ये पकड़ने के लिए ये इसमें क्या फिक्स हो जाता है, क्या वैक्यूम की तरह बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है कि इसको, मतलब ये होल्ड करने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये बहुत ही मेन आई थिंक इनका जो औजार बोल सकते हैं ये, ठीक है ना। देखिए पूरी क्लीनिंग हो रही है ना, हाँ बिल्कुल साफ 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 पूरी। ये नई विंडो देखो लग गई है, अब आप देख रहे हो ना विंडो जो होती है, पहले बता चुका हूँ ना कि पहले से मेजरमेंट लेके ऑर्डर हो जाती है, तो बड़ी बनाई विंडो आती है कंपनी से, ठीक है ना। तो सीधे यहाँ पे बस फिट करनी होती है, पुरानी विंडो निकाली और नई विंडो को फिट करना होता है। तो ये देखो आप नई विंडो फिट हो गई है, तो इंस्टॉलेशन काम बहुत ही, मतलब स्मूथ और बहुत ही बढ़िया।
मेरा मकसद अब ये है कि पूरा दिखाना आपको कि विंडो इंस्टॉलेशन कैसा होता है, ठीक है ना, और कितनी क्लीनिंग और कितने प्रोफेशनल ये लोग करते हैं काम को। मतलब आपको बिल्कुल आपका जो भी थोड़ा बहुत भी आपकी जो वेस्ट है वो गिर जाता है, वो सब आपको सफाई करते हैं। और एक बात और, जो पुरानी विंडोज़ और जो पड़ी हुई जो भी है कांच आँच सब ले जाते हैं लोग और खुद रिसाइकिल मतलब करते हैं, इन्हीं का काम है सारा। तो पूरा ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो भाई मैं अगर सिस्टम की बात करूँ, देखो पूरा सिस्टम ही साथ में लेके चलते हैं। अभी एक और जो ट्रेलर था और वो अभी चला गया है, तो आप देख रहे हैं लाइट आइट सब लगी हुई है, और देखिए बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है। देखो इस टेम्परेचर पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिल से करते हैं, पूरा मन से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोफेशनल है तो अपना काम पूरे मन से करते हैं ये लोग। तो आप देख रहे हो ना, तो व्हाट इज दिस पूरा तार, व्हाट इट्स डोंट वर्क, इट्स कॉल्ड ओके एंड दिस इज फॉर फिक्सिंग दैट ओके इंसुलेशन दिस इज यस ओके अभी सेकंड पॉइंट विंडो का लग रहा है, ठीक है, अभी सेकंड पार्ट इस विंडो का लगना है। तो ये जो पार्ट रखा हुआ आप देख रहे हो ना, ये सेकंड पार्ट है विंडो का, तो अभी आप ये भी लगेगा इसमें। तो भाई बाहर से आप देख रहे हो ना, ये देखो ये सब उखड़ गया, कितना बेकार हाल दिख रहा है ना। विंडो अभी एक पार्ट लग गया है नया, दूसरा पार्ट लगेगा, पर ये देखो तो ये भी सब फिक्स होगा, नई शीट एल्यूमिनियम की जो भी लगाएंगे वो देखेंगे हम, ठीक है ना। तो बाकी वहाँ देखो दूसरी विंडो निकल रही है और वहाँ पे अंदर और कुछ काम चल रहा है। तो पूरा सिस्टम ये साथ में लेके चलते हैं, सब कुछ फिक्स है, ठीक है ना। क्या अभी दिखाएंगे कि वहाँ भी क्या काम चल रहा है। ये देखो भैया यहाँ भी पूरा सिस्टम साथ में बना हुआ है, पूरा लेके चल रहा है। आई थिंक ये सब कोई शीट, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पूरा देखो यहाँ पे चल रहा है, मशीन पूरी साथ में है, सारा सामान तो जो भी है सब यहाँ पे ये भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे चल रहा भैया, इसलिए है ये, समझ गए ना, ओके। और ये देख लो भैया फिर से कि विंडोज़ ये पड़ी हुई है नई, ये है काम ये। ओके दूसरी ट्रेलर वहाँ खड़ा हुआ है, देख रहे हो आप, दूसरा ट्रेलर एक वहाँ खड़ा हुआ है। वहाँ पे क्या होता है, जो पुराना जो भी है तो रिसाइकलिंग के लिए जो भी ले जा रहे हैं सारी पुरानी विंडोज और सामान, वो उसमें डाला जा रहा है। ओके अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसमें पूरा जो नया जो भी इनका जो काम है नई विंडोज़ के लिए जो भी फिक्सिंग क्या वो सब यहाँ पे हो रहा है। और ये जो पुराना ट्रेल जो दूसरा ट्रेलर खड़ा हुआ है, इसमें जो पुरानी विंडोज़ और जो भी सामान निकलेगा वेस्ट वो सब इसमें ले जाएंगे, जाके फिर रिसाइकिल करेंगे। और छोटा भाई अपना चालू है भाई, देखो यहाँ पे दूसरी विंडो खाड़ के फेंक दी उसने पूरी ताकत के साथ, देख रहे हो ना। ओके इंसुलेशन के लिए, तो ये इंसुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप ये देख रहे हो, ये पूरा वहाँ से चल रहा है काम। तो मैं रिकॉर्डिंग अंदर से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए बाहर से दिखाते हैं, ये देखो आप इंसुलेशन का काम चल रहा है। अगर भाई इंसुलेशन का काम नहीं होगा ना, तो आप ये ध्यान रखना कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ठंड में, पता है ना आपको ये बात। तो इसलिए विंडो बिल्कुल इंसुलेटेड होती है, ये गर्मियों में बिल्कुल गर्मी ना बाहर अंदर आए, और सर्दियों में छुट्टी यार सर्दी है, गर्मी तो भूल जाओ यार, सर्दी में सर्दी ना। ये देखो भैया वाइट शीट लग गई है, ठीक है ना, ये शीट है जो बाहर लगती है, देखो आप पूरा अभी आपको बेकार से लगा था, अब आप देखो जरा ये पूरी शीट लग गई है ना, तो ये सब विंडोज में ऐसी लगती है बाहर से,
ठीक है, बाहर का जो पूरा काम खत्म हो गया, मतलब ये जो बाहर का साइड से लगा, अंदर से है ये विंडो लेकिन बाहर का साइड खत्म हो गया, तो अब अंदर भी चुकी है एक पार्ट जो विंडो का बना है। और ये देखो आप यहाँ भी इज़ रेडी, आप देख रहे हैं पहली विंडो इन्होंने रेडी कर दी है आउटसाइड से। ध्यान रखिए कि अभी एक ही पार्ट है ये चुकी विंडो, अभी और अंदर से लगेगा विंडो, ठीक है ना। तो वन पार्ट आपका जो रेडी होगा, यस गुड, यस वेरी नाइस। और बाकी लोग अपने लगे पड़े हैं, देखो सब भागा दौड़ी मचा रहे हैं। वो देखिए आप लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। क्लीनिंग भी चल रही है, काम भी चल रहा है, तड़ातड़ मतलब सब काम फिक्स। और अपना भाई, वो भाई जो एक दूसरी विंडो जो लगी है उसमें लगा पड़ा छोटा भाई, ये देखिए आप छोटे भाई को बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ है। तो ये पार्टी का जो छोटा वाला जो है वो भी लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी लगा हुआ है। तो ठीक है, ये देखिए हम चौक ले लो, ये देखिए ठीक है, और ये भी आगे देखो ये आ गया और अब ये भी बच जाएगा। तो ये आपकी तरीके से कंप्लीट विंडो रेडी हो जाएगी। ओके, तो अब आप देखो बिल्कुल क्लियर व्यू, ये देखिए क्लियर व्यू, ये विंडो बिल्कुल रेडी हो गई है बाहर से, आप ही देखिए विंडो बिल्कुल क्लियर व्यू, ये आप देखिए ये बाहर से बिल्कुल विंडो पूरी रेडी हो गई है। ये मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये बाहर से व्यू है विंडो का, ये देख रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट न्यू विंडो। और पुरानी विंडो बिल्कुल निकल के अलग कर दी गई है, और वो मतलब अब चूँकि उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका पूरा व्यू है एक विंडो का। उसी तरह से आप ये देखिए सेकेंड विंडो भी बाहर की, वो भी चेंज हो गई है, सेम है लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए पूरी विंडो ये। और अब मैं आपको क्लियर व्यू अंदर से भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये देखिए बिल्कुल बाहर टेम्परेचर कितना भी हो, माइनस में -20-30 डजंट मैटर, अंदर टेम्परेचर बिल्कुल आपका चूँकि इंसुलेशन बहुत ही तगड़ा रहता है, और विंडो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त विंडो है। एक एक विंडो की कीमत बता दे रहा हूँ मैं आपको, इंडियन करेंसी में 1,00,000 रुपये एक विंडो की कीमत है यहाँ पे, ठीक है ना जी। ये इनसाइड से देखो आप, ये विंडो पूरी कंप्लीट आपकी, ये इनसाइड से पूरी कंप्लीट विंडो इनसाइड से डबल डोर है, ये एक छोटा है, अगर आपको मान लो वैसे जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे खोलने, क्योंकि वेंटिलेशन यहाँ पे घरों में ऑलरेडी होते हैं, वेंटिलेशन परमानेंट मशीन लगी होती है वेंटिलेशन के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको करना तो आप ये वाला खोल सकते हो कभी समर में बहुत जरूरत पड़ जाए तो, ये वाला अलग से। और बाकी आप ये देख रहे हो ये तो आपको पता ही होगा सिस्टम, बाकी ये आप खोल सकते हो ये किया, और उसके बाद अंदर अगर जाना तो आपको ये वाला प्रेस करना पड़ेगा, ये जो बटन लगा हुआ है इसको प्रेस किए, ठीक है। तो अब मैंने इतना छोड़ दिया, जैसे मान लो इतना मुझे खोलना है, तो नॉर्मल है, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ये विंडो आपकी इंस्टॉल। अब आप ये जो डोर देख रहे हैं, ये डोर और ये विंडो, ये भी बदली जाएगी, ये भी वाइट हो जाएगी, तो ये डोर विंडो भी अलग हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो ना, तो ये भी वाइट होंगे, तो ये देखो ये भी यहाँ पे काम इन्होंने चालू कर दिया है बाहर से थोड़ा बहुत, ये देखो निकालना चालू कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँगा जब ये पूरे कंप्लीट अलग हो के और बिल्कुल नए विंडो और डोर इसमें बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ये अभी दिखाऊंगा मैं। आप देख रहे हैं ना, ये है आपका नई डोर, जो डोर मैंने आपको दिखाया था, और ये पुराना डोर और विंडो, और ये नया डोर आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये पूरा
ठीक, तो ये फाइनल इन्होंने लास्ट इनका जो तो इनको करना था, तो उन्होंने ये पार्ट इनका लास्ट था, और ये पूरा सब इंस्टॉल हो गया है।